जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा दसवीं की गणित विषय। और उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कक्षा दसवीं की पांचवी अध्याय, जिसका नाम क्या है, समांतर श्रेणी। और इस समांतर श्रेणी का पहला अध्याय हम लोग डिस्कस करें 5.1, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने वाले। और ये क्वेश्चन नंबर 4 ना इस प्रश्नवाली का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों इंपोर्टेंट है अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है, मतलब इसमें बताना है कि एपी कौन कौन सा है, इसलिए सबसे इंपोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हमारे पास दे दिया क्वेश्चन में कि एपी है तो उसमें कुछ करना ही नहीं होता है, पहला पास सार्वंत सब मिल जाता है। लेकिन जहां हमें बोल दिया ना कि एपी पता करो, वो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ना। चलो तो क्या बोला कि कौन कौन एपी है, यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। एपी होगा तब सार्वंतर निकालेंगे, एपी नहीं होगा तो कुछ नहीं निकालेंगे, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बोला क्या कि अगर सार्वंतर निकालने के बाद अगर एपी होगा तभी हम इसके तीन और पद लिखेंगे, मतलब जहां तक दिया है उसके आगे और तीन पद लिख देना है, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है, 2, 4, 8, 16 है ना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एपी ज्ञात करने के लिए, एपी पता करने के लिए सबसे पहला काम क्या करते हैं, है ना। देखो कोई भी श्रेणी हो, अगर आपको पता करना है कि वो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी में है या नहीं, तो सबसे पहले देखो कि दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर बराबर है कि नहीं। इट मींस क्या बताना हमें, सार्वंतर बराबर है कि नहीं, सिंपल। चलो यानी अगर हम मान लो ये श्रेणी दिया गया है, तो मान लो ये हमारा पहला पद है A1, ये हो गया हमारा दूसरा पद A2, ये हो गया हमारा तीसरा पद A3, ये हो गया हमारा चौथा पद A4 है ना। तो हम तीन के लिए चेक कर लेते हैं, अगर इन दोनों जो A1, A2, A3, A4 है इसके बीच का जो अंतर होगा, सार्वंतर होगा, अगर बराबर होगा तो बोलेंगे कि यह जो है एपी में है, अगर बराबर नहीं होता तो बोलेंगे यह एपी में नहीं। चलो चेक करते हैं, यानी सब खेल किसका है, सार्वंतर का, कॉमन डिफरेंस का, है ना। तो चलो सबसे पहले देखो, अगर हमें D1 मतलब D1 कहने का मतलब क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, है ना। अब मैं D1 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हो सकता है अगला वाला को D2 बोल दूं, क्योंकि तीसरा पद माइनस दूसरा पद, है ना, इसलिए मैं D1 लिख दिया, ठीक है। चलो D1 क्या हो जाएगा हमारा, A2 माइनस A1 मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। दूसरा पद कितना है सर, 4, और पहला पद 2, 4 - 2 कितना हो गया, 2, ठीक है। चलो यानी इन दोनों के बीच का जो अंतर था हमारा D1, ये तो हमने निकाल लिया। अब आता है सर तीसरा पद माइनस दूसरा पद के बीच का अंतर, तो इसको बोल दो D2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद। तीसरा पद कितना बता दो, 8 - 4 सर यही दिख रहा है 4। अब देखो जहां हमें देखा कंडीशन फेल्ड हो रहा है उसके आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं, क्यों हम टाइम लॉस करेंगे। यहाँ पे देखिए सर D1 D2 के बराबर है ही नहीं, आगे तो और बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पे D1 D2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब सार्वंतर बराबर नहीं है, कॉमन डिफरेंस आर नॉट इक्वल, सार्वंतर बराबर नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो क्या बोलेंगे, एपी में है, क्या बोलेंगे समांतर श्रेणी में, बोलेंगे दी गई जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में नहीं है, जो दी गई श्रेणी है, यानी बोलेंगे क्या, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, है ना। मतलब जो गिवन हमारे पास प्रोग्रेशन दिया, इट इज नॉट इन द एपी, या समांतर श्रेणी में नहीं है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। अब बताओ अगर इस समांतर श्रेणी में आगे हमें कुछ निकालना है, नहीं निकालना है, अगर एपी में होगा तब सार्वंतर निकालेंगे, फिर आगे के तीन पद निकालेंगे, जब एपी में ही नहीं तो आगे कुछ करना ही नहीं है ना। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से वही, इसमें भी वही देखना है, चेक करना है कि एपी में है कि नहीं, तो चेक करो। पहला पद हो गया सर हमारे पास A1 2 A2 कितना हो गया 5/2, A3 हो गया 3, और A4 हो गया मतलब चौथा पद क्या होगा 7/2। चलो करते हैं अब एक एक करके निकालते हैं, क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे D1। D1 क्या होगा, A2 - A1, A2 कितना है सर 5/2 - 2, 5/2 - 2, 2 की कुछ नहीं तो क्या 1, यहां पे 2 है ना, यहां क्या होता है सर 5, यहां होता है 4, क्या गया 1/2, क्या है सर 1/2। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड, D1 निकालेंगे, D2 निकालते हैं, क्या हो जाएगा D2, A3 - A2, तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तीसरा पद क्या है सर 3 - 5/2, 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 कर दो, एलसीएम लो 2 आ गया।
है ना, ये आ गया सर एक दूनी दो, दो से तीन छह आ जाएगा, छह माइनस पांच कितना आ गया सर 1/2 आ रहा है सर, आ रहा है देखते आगे आ रहा है कि ना, तो चेक करो। अब आएंगे सर क्या D3 क्या हुआ सर A4 - A3 है ना, A4 कितना है सर 7/2 - 3 इसके नीचे कुछ नहीं क्या है 1, चलो एलसीएम ले लो 2 हो गया, यहाँ बच गया 7, यहाँ क्या हो गया 3 × 6 यहाँ से क्या 1/2। इसका मतलब ये हुआ सर D1 D2 D3 सबके सब क्या बराबर आ रहा है, यानी क्या है सबके सब सर बराबर आ रहा है, यानी इसका मतलब D1 = D2 = D3 यानी क्या बोलेंगे हमारा जो सार्व अंतर क्या है बराबर है, सार्व अंतर बराबर है। जब सार्व अंतर बराबर है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो हमारा ये दिया गया श्रेणी है यह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, यह एपी में है, यह समांतर श्रेणी में है, यानी क्या बोलेंगे कि सर यह जो है समांतर श्रेणी में 2, 5/2, 3, 7/2 ये किस में है, यह एपी में है, यह एपी में है। अब देखो जैसे हमें देखा कि सर यह एपी में, क्या बोला जब ये एपी में हो तो इसका सार्व अंतर क्या कीजिए, तो सार्व अंतर तो ऑलरेडी निकाल लिया कितना आ रहा सर 1/2, यानी सार्व अंतर डी बोलेंगे तो सार्व अंतर कितना आ गया सर 1/2। लेकिन सर इसके आगे भी कुछ क्वेश्चन बोला गया था, क्या क्वेश्चन बोला है ध्यान दो कि अगर एपी में होगा तो इसके तीन और पद लिखिए, मतलब आगे के इसके तीन और पद लिखना है, कैसे लिखेंगे सबसे आसान तरीके समझ लो है ना, देखो अगर मान लो ये पहला पद है तो दूसरा कैसे आया होगा A+, ये मान लो अगर मेरा पहला पद है दूसरा कैसे आएगा A+D, ये किसे आएगा मान लो ये कैसे आएगा या ऐसे ऐसे सोच लो ऐसे, मान लो ये मान लो A1 है तो दूसरा कैसे आएगा A2 कैसे आएगा ये आएगा सर A1+D, ये कैसे आएगा ये आएगा सर A2+D, ये कैसे आएगा सर A3+D, इसी तरह जो अगला वाला जो टर्म आने वाला है जो हमारा पांचवा टर्म आएगा वो क्या आएगा सर A4+D है ना, यानी अगर मैं बोलूं कि हमारे पास चार टर्म आ गए यानी पांचवा पद कैसे आएगा A4+D और A4 का मान कितना है, मतलब चौथा पद मान कितना है 7/2 और जोड़ 1/2 कितना आ जाएगा सर ये आ जाएगा सर 8/2 जो कि किसके बराबर है 4। लॉजिक समझ में आने कैसे लिखना है सिंपल, अब देखो इस पद और एक पद लिखना है छठा पद क्या हो जाएगा सर वो होगा पांचवा पद प्लस सार्व अंतर, पांचवा पद कितना गया सर 4 + 1/2 ये कितना है सर 9/2 है ना, फिर देखो सातवां पद क्या होगा सर छठा पद जोड़ सार्व अंतर, छठा पद कितना गया सर 9/2 जोड़ सार्व अंतर 1/2 कितना गया सर ये जाएगा सर 10/2 जो कि किसके बराबर है 5 के बराबर, किसके बराबर जाएगा सर ये 5 के बराबर जाएगा, किसके बराबर आ गया सर 5 के। इस प्रकार अगला हमारा तीन पद कौन कौन से हो गया, इस प्रकार अगला तीन पद हमारे पास हो गया एक आ गया 4 फिर आ जाएगा 9/2 फिर आ जाएगा 5, ऐसे में ये अगला तीन पद आ गया। फिर इसमें एक बार थोड़ा सा रिपीट करते हैं ध्यान दो, पहला वाला A1 हो गया, दूसरा क्या होगा A1+D मतलब पहले में D जोड़े दूसरा जाएगा, तीसरा क्या होगा A2+D मतलब जस्ट उसके पिछला में D जोड़ दो सार्व अंतर जोड़ दो हमारा अगला वाला पद मिल जाएगा है ना, जैसे मैंने पांचवें पद चाहिए था तो चौथा में D जोड़ दिए, छठा पद चाहिए था पांचवें में D जोड़ दिए, सातवां पद चाहिए था छठा में D जोड़ दिए, सिंपल समझ में ना, ये लॉजिक रहता है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसमें वही करना है कि चेक करना है एपी में होगा तो सार्व अंतर निकालना, सार्व अंतर होगा तो फिर तीन पद निकालना है ना। चलो तो पहला पद क्या आ गया, पहला पद आ गया हमारे पास माइनस का 1.2 ये हो गया A1, दूसरा पद माइनस का 3.2 A2 एंड तीसरा पद हो गया हमारे पास माइनस का 5.2 A3 और ये हो गया A4, क्लियर है। चलो पहले हम निकाल लेते हैं सार्व अंतर क्या बराबर है या नहीं, तो B1 हो गया A2 - A1, A2 कितना है माइनस का 3.2 माइनस ऑफ माइनस का 1.2 सॉल्व करते हैं, दिया जाएगा माइनस का 3.2 प्लस का 1.2 जो कि हो जाएगा माइनस का ये 0 हो गया और ये 3 माइनस का 2.0 माइनस का 2.0 मतलब 2 माइनस का 2 सिंपल। अब देखते हैं नेक्स्ट D2 क्या है सर A3 - A2 A3 कितना है सर माइनस का 5.2 माइनस है ना ये है सर माइनस का 5.2 माइनस का 3.2 जो क्या है सर माइनस का 5.2 प्लस का 3.2 तो 2 से 2 गया 0 5 में 2 गया मतलब 3 में 2 क्या गया माइनस का 2.0 ये भी सही मतलब माइनस का 2 आया इसका है ना। अगला देख लो यानी D3 देख लेते हैं मतलब सार्व अंतर तीसरा मतलब तीसरा दोनों के दोनों पदों के बीच में है ना, तो यह सर चौथा पद माइनस
तीसरा पद और चौथा पद कितना है सर, माइनस का 7.2, माइनस ऑफ माइनस का 5.2। क्या आ जाएगा, माइनस का 7.2 जोर 5.2 जो कि किसके बराबर होगा सर, माइनस का 2 के बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि सर देखो तीनों के तीनों सारू अंतर बराबर आ रहे हैं, माइनस के 2 आ रहे हैं। इसका मतलब हम बोलेंगे कि हमारा जो है D1 बराबर D2 बराबर D3 इक्वल टू कितना, इक्वल टू माइनस का 2.0। इसका मतलब सारव अंतर बराबर है, सारव अंतर बराबर है। अगर सारव अंतर बराबर है इसका मतलब दी गई जो है समांतर श्रेणी में है, दी गई जो श्रेणी किसमें, समांतर श्रेणी में है। यानी क्या बोलेंगे, बोलेंगे सर तो दी गई जो श्रेणी है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समांतर मतलब समांतर श्रेणी मतलब एपी में है, एपी में है। क्लियर है। अच्छा कौन कौन क्या क्या दिया गया था, पहले दिया गया था माइनस का 1.2, ये दिया गया था माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2 है ना, ये है माइनस का 7.2। अब इसके आगे का हमें तीन पद निकालने, बहुत आसान से है। अच्छा ये बताइए सारा अंतर क्या हो गया, सारा अंतर निकाल लिया, कितना सारा अंतर है, माइनस का 2.2, यही तुम्हारा सारा अंतर है, यही तुम्हारा सारा अंतर है, क्योंकि सारा अंतर बराबर था, यानी क्या है माइनस का 2, ये सारा अंतर है ना। चलो यानी हम देखते हैं, चलो ये हो गया हमारा पहला पद A1, तो ये क्या होगा सर, दूसरा पद कैसे आएगा सर, A1 प्लस D आया होगा, तीसरा पद कैसे आएगा सर, ये होगा A2 प्लस D आया होगा है ना, चौथा पद कैसे आएगा सर, ये आएगा सर हमारे पास A3 प्लस D आया होगा। मतलब जस्ट पीछे वाला मैं D जोड़ दूंगा, D कितना जोड़ेंगे सर, D जोड़ेंगे माइनस का 2 है ना। चलो यानी हमें आप कौन सा पद चाहिए, हमें चाहिए इसके बाद चौथा पांचवा पद चाहिए, तो पांचवा A5 क्या होगा सर, A4 प्लस D, और A4 का मान है माइनस का 7.2 माइनस प्लस माइनस का 2.0, ये आ गया सर हमारे पास माइनस का 7.2 माइनस का 2.0 जो कि किसके आ जाएगा, माइनस का 9.2 के बराबर, किसके बराबर हो जाएगा माइनस का 9.2। नेक्स्ट अब आते हैं सर छठा पद, छठा पद क्या होगा सर, A5 प्लस D, A5 कितना है सर हमारे पास 9.2 माइनस का 9.2 माइनस ऑफ प्लस माइनस का 2.0, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास माइनस का 9.2 माइनस का 2.0 यानी 9 × 2 = 11 माइनस के 11.2, ये हो गया सर छठा पद है ना, छठा पद। अब आते हैं सातवां पद पे, किस पे आते हैं सातवां पद, तो सातवां पद क्या होगा सर, छठा पद जोर सर्व अंतर, छठा पद कितना है माइनस के 11.2 माइनस का हो जाएगा 2.0 यानी 11 × 13 माइनस का 13.2, यानी आगे के जो हमारे तीन पद है वो कौन कौन सा, एक है माइनस का 9.2, दूसरा माइनस का 11.2, तीसरा माइनस का 13.2, मतलब दो दो का अंतर, मतलब दो दो जोड़ते जाओ आगे बढ़ते जाओ, यानी इस प्रकार से हमारे पास हमने दो दो जोड़ते गए, हम आगे बढ़ते गए तो हमें आगे के तीन पद मिल गए। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया, चलो बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। सेम इसमें वही काम करेंगे है ना, इसमें वही काम करेंगे, चलो चेक करो पहला क्या हो जाएगा, ये पहला पद A1, ये हो गया दूसरा पद A2, ये हो गया सर तीसरा पद, इसमें दो है तो माइनस टू फिर टू है ना, ये हो गया तीसरा पद और ये हो गया हमारा चौथा पद। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पहला निकालना है, सारव अंतर निकालना है, पहला सारव अंतर यानी A2 माइनस A1 है ना, A2 मतलब दूसरा पद, दूसरा पद कितना है माइनस छह माइनस दस, यानी बहुत बच्चे गलती करते हैं, अब माइनस पास उनको दिखेगा नहीं, माइनस छह माइनस दस लिख देंगे, यही पे सावधानी बरतनी है ना। चलो आगे देखो क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर माइनस छह प्लस का 10 यानी प्लस का 4, यानी पहला सर्व अंतर आ गया प्लस का 4। नेक्स्ट दूसरा सर्व अंतर A3 माइनस A2, तीसरा पद क्या सर माइनस का टू माइनस का 6, यानी ये हमारे पास ये कितना गया माइनस 2 प्लस का 6, ये गया देखो ये भी प्लस का 4 आ रहा है, ये भी प्लस का 4 आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट D3 देख लेते हैं, ठीक है D3 देख लो, चलो D3 हो गया सर A4 माइनस A3, A4 कितना है सर 2 माइनस का माइनस 2, 2 माइनस का माइनस 2 यानी सिंपल दिख रहा है सर 2 प्लस 2 क्या आ गया सर 4, यानी यहां से देखो बराबर है,
यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास D1, D2, D3 तीनों के तीनों बराबर है, यानी सर्वांतर बराबर है। यानी ये किसमें है, ये श्रेणी किसमें है, एपी में है। अगर ये एपी में है यानी क्या बोलेंगे, D1 बराबर D2 बराबर D3 किसके है, चार के बराबर, सर्वांतर बराबर। यानी दी गई श्रेणी, दी गई प्रोग्रेशन इज एन एपी, या दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है या एपी में है। क्यों है, क्योंकि सर इसका सर्व अंतर बराबर है। क्लियर है, इसकी सर्व अंतर बराबर, इसलिए बोलेंगे कि दी गई जो एपी मतलब श्रेणी है किसमें है, एपी में। लेकिन क्या यहीं पे बात रुकेगा, सर्व अंतर निकाले, लेकिन बोला आगे के तीन और पद निकालना है, आगे के तीन और पद निकालना है। यानी क्या क्या दिया गया है, माइनस का 10, माइनस का 6, माइनस का 4, 2 और 2 ऐसे दिया गया है, माइनस का 2 और 2 ऐसे किया, देख लेते हैं। हाँ, माइनस का 6 और माइनस का 2 दिया ना, यहाँ पर माइनस का नहीं, माइनस का 6, माइनस का 2 और 2 दिया। इसके आगे का दो पद निकालना, निकालते तो एकदम जल्दी निकालते हैं ना। चलो, यहाँ पहला पद दिया A1 कितना दिया, माइनस का 10। दूसरा पद दिया A1 प्लस D, यानी माइनस का 10 प्लस D कितना है हमारे पास, 4। तो देखो कितना है, यह देखो माइनस का 6 आ गया ना। इसी प्रकार हमारे पास A3 आया होगा, A3 का मान कितना है, माइनस का 2। A4 आया होगा, A4 क्या है, 2। अब हमें निकालना A5, A5 क्या होगा सर, A4 प्लस D, A4 कितना है सर, 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर, 6। यानी अगला पद क्या होगा सर, 6। नेक्स्ट देख लेते हैं, A6 कितना हो जाएगा सर, A5 प्लस D, A5 कितना है सर, 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा सर, 10। यानी ये पद कितना होगा सर, 10। नेक्स्ट देख लेते हैं छठा पद, सातवा पद क्या होगा सर, छठा पद जोर सार्व अंतर, छठा पद कितना है सर, छठा पद हमारे पास 10 जोर सार्व अंतर 4 कितना है सर, 14। यानी अगला पद क्या गया सर, 14। इस प्रकार आगे के तीन पद कौन कौन से हो गए, 6, 10 और 14। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, है ना। तो चलिए इस क्लास में हम यहीं तक क्वेश्चन नंबर 4 तक ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास होगा 2 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करेंगे, इसमें लगभग 15 से 16 क्वेश्चन है ना, तो हम इसमें मार्कआउट करते चलेंगे कौन इंपॉर्टेंट है। अभी तक एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है, एक क्वेश्चन थोड़ा वो मान सकते हो जो माइनस वाले हैं, इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती थी क्वेश्चन नंबर 3, इसको थोड़ा सा स्टार मार्क कर लेंगे, थोड़ा सा इसमें माइनस में थोड़ा गलती करते बच्चे सर, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन आसान थे, ठीक है। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसके आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से आगे, ठीक है। तो जरूर हमारे अगर पिछले का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी अच्छा होगा, ठीक है।